हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट कंट्रियाँ क्यों सबसे ज़्यादा ऑयल रिच होती है। आपके जहन में ज़रूर आता होगा कि क्यों सबसे ज़्यादा ऑयल या गैस मिडिल ईस्ट में ही पाया जाता है। सो इस वीडियो में मैं आपको सारे पॉइंट्स कवर करूँगा, तो आप टिल द वीडियो के एंड तक रहिएगा। यदि आप बाद में इसको देखना चाहते हो तो आप इसको सेव करके रख लो, बाद में इसको आप बट पूरे वीडियो को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या रीजन है और क्या फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा ऑयल रिच मिडिल ईस्ट हैं और आज के डेट में उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा भी है। तो देखिए, इसमें काफ़ी सारी कंट्री हैं जो सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, तो मैं वो स्टेप बाई स्टेप सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है जियोलॉजिकल फैक्टर। जियोलॉजिकल फैक्टर मीन्स मतलब जो मिडिल ईस्ट का रीजन है वो काफ़ी फेवरेबल रीजन बोला जाता है, वो काफ़ी फेवरेबल रीजन के अंदर आता है। और उस सारे जो भी कंट्री हैं, मतलब जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑयल एंड गैस, ये काफ़ी अच्छे वाले लोकेशन पर हैं। और मेन रीजन है कि जो भी हाइड्रोकार्बन और ऑयल रिजर्व है, जो भी क्रिएट होता है बेसिन के अंदर मटेरियल, जो ऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू बना था मिलियनस ऑफ ईयर, वो इन्हीं रीजनों के बीच आता है, जिसके कारण इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है ऑयल प्रोड्यूस में। सेकेंड रीजन है ऑयल रिच कंट्री। ऑयल रिच कंट्री में काफ़ी सारी कंट्रियाँ आती है जो कि मिडिल ईस्ट की हैं, जिसमें सऊदी अरबिया फर्स्ट नंबर पे आता है, उसके बाद इराक हो गया, ईरान हो गया, कुवैत हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स हो गया। ये काफ़ी मेजर ऑयल प्रोड्यूस कंपनी है और ये लोग आज से नहीं, काफ़ी सालों से प्रोड्यूस कर रहा है, जिनके कारण इन्होंने अपने कंट्री के GDP में भी काफ़ी सारा चेंजेस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया। आज के डेट में आप लोग देखोगे तो दुबई जैसी कंट्रियाँ काफ़ी अलग दिखती हैं, मतलब बिकॉज ऑफ ऑयल। सो एक सेकेंड फैक्ट है जो कि इनको रिच बनाता है। थर्ड फैक्ट है एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है कि आप मान लो कि ऑयल तो प्रोड्यूस करना है बट उसका कुछ प्रोसेस होगा ना, तो जो भी डेवलप्ड कंट्री है जैसे लाइक US, यूरोप हो गई, इनके पास टेक्नोलॉजी था बट जो ऑयल जो मिडिल ईस्ट कंट्री, इनके पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं था क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी पर कभी काम किया नहीं था, बट इनके पास ऑयल था। तो इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा रूल बनाया जिसके कारण इजीली कोई भी आकर इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे मैं कुछ कंपनियों का नाम लूँगा, जैसे एक्जन मोबिल हो गया, आपका सेल हो गया, ये लोग जाकर अपना टेक्नोलॉजी दिया कि कैसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इजीली, आप इसको इसके लिए आप ऑयल को रिजर्व कैसे कर सकते हो, ड्रिलिंग टेक्निक होता है तो वो भी इन्होंने दिया, आपका सिस्मिक इमेजिन मीन्स भूकंप रोधी कैसे इसको बचाया जा सकता है, जब आप ड्रिल कर रहे हो तो उस एरिया में कहीं भूकंप तो नहीं आ जाएगा, ये सारे मैनेजमेंट को उन्होंने इनको प्रोवाइड कराया, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी। ये भी एक थर्ड फैक्ट है जिनको इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप किया थ्रू द अदर कंट्री के हेल्प से। फोर्थ है हिस्ट्री एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। इसमें क्या हुआ था कि मिडिल ईस्ट के पास काफ़ी पैसा तो नहीं था, ऑयल काफ़ी था, तो इन्होंने 20th century के अंदर इन्होंने क्या किया, काफ़ी ह्यूज मात्रा में, मतलब एक नहीं होता है क्रूशियल रोल निभाया कि कैसे अपने ऑयल को सेल आउट कर दूसरे रीजन में, मतलब दूसरे कंट्री, जैसे हमारा इंडिया हो गया, काफ़ी सारे कंट्रियाँ खरीद कर ऑयल यूज करता है, इनके पास ऑयल की कमी है तो कैसे इसको सेल आउट किया जाए, तो इन्होंने अपने हिस्ट्री को खंगाला, फिर उसको यूज़ किया कि कैसे हम लोग इस क्रूड ऑयल को अपने डेवलपमेंट के लिए भी और रीजन के साथ साथ दूसरे कंट्री के साथ कैसे मिलकर इसको बनाया जा सके, तो इन्होंने काफ़ी उस पर भी काम किया, जो कि इनका एक फोर्थ फैक्ट मैं बोल सकता हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा फैक्ट है जो कि इनको इनके डिस्कवरी में काफ़ी योगदान दिया। फिफ्थ फैक्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन्होंने काफ़ी सारे ऑयल प्रोड्यूस किया, काफ़ी सारी कंपनियां आई जिसमें इन्होंने इनको मतलब आप केवल ऑयल प्रोड्यूस तो कर सकते हो बट ऑयल प्रोड्यूस करने के बाद उस ऑयल को आपको भेजना भी पड़ता है। जैसे मान लो आपको दुबई से आपको इंडिया भेजना है तो आप उसको प्लेन के थ्रू तो भेज नहीं सकते हो, काफ़ी कॉस्टली होगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको व्यवस्था करना होता है, जिससे होता है आप ऑयल, आप क्या नाम है, जो जहाज होते हैं, जो मतलब ओशियन में जहाज चलते हैं, उनके थ्रू वन स्टेट टू अदर स्टेट भेजते थे, कंट्री टू कंट्री इन्होंने भेजा, जिसमें काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे मर्क हो गई, एरजन मोबिल, ये लोग
मिडिल ईस्ट से उठाकर इनके सेंटर हैं वहाँ से उठाकर दूसरी जगह भेजते हैं। तो इसके लिए केवल आपको जहाज़ों का जरूरत नहीं होता है, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें पाइपलाइन हो गया, रिफाइनरी हो गया, टर्मिनल्स हो गए हैं, आपको जहाँ के पोर्ट हो गए बड़े बड़े जहाँ ये सब जहाज़ लग सकते हैं, तेल को इजीली वहाँ एक्सपोर्ट किया जा सकता है, फिर उसको दूसरे कंट्री में इम्पोर्ट भी किया जा सकता है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इनका मतलब काफ़ी इन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल किया, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी पैसा भी खर्च किया। और आज के डेट में आप लोग यदि देखोगे तो वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट आपका आता है इराक के अंदर है, जो कि सबसे ज़्यादा तेल बेचता है। और आपका दुबई हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ये सब काफ़ी मतलब रिच हो गए हैं इस सेक्टर में। सिक्स स्टेप है पॉलिटिकली स्टेबल, मतलब आप देखोगे होगे कि मिडिल ईस्ट में काफ़ी सारे कुछ कंट्री में तनाव हमेशा बना रहता है, हमेशा अगल बगल के कंट्री में आपस में लड़ाइयाँ लगी रहती है। तो बट कुछ कंट्रियाँ इसमें है जो कि अपने को काफ़ी स्टेबल भी बनाया, जिसके कारण आज के डेट में वो लोग वन ऑफ द मतलब जैसे अब मैं बोलूँ यूएई को, यूएई में सारी कंट्रियाँ जाकर आज के डेट में इन्वेस्ट करती है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो इन्वायरमेंट वैसा क्रिएट करना पड़ता है कि आपके लिए बड़ी कंपनियां आएंगी और आपके कंट्री में इन्वेस्ट करेंगी। तो ऑयल होने से मतलब नहीं है, यदि ऑयल ही है आपके पास है, कोई इन्वेस्ट ना करे, उसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन क्रिएट कर ले, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका ऑयल आपके पास ही रह जाएगा। तो ऑयल रिच बनाने का मतलब है कि आपको कुछ और भी नए नए सेक्टर को जनरेट करना होगा। तो इन्होंने काफ़ी सारे अच्छे तरीके से उस पर भी काम किया। और सबसे बड़ा मेन फैक्ट होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये कि वो कि यदि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छा है आपके देश का, तो आप किसी भी सेक्टर में बहुत अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हो। तो ये वाला फैक्ट भी बहुत अच्छा इनका रहा है अब तक। तो अब हम बात करेंगे सेवन्थ फैक्ट, जिसका नाम है ग्लोबल डिमांड। बिकॉज आप जानते हो कि ऑयल का डिमांड ऑल ओवर कंट्री में है, और काफ़ी मतलब कुछ कंट्रियों में प्राइस इतना ज़्यादा है कि आप मतलब सुनकर हैरान हो जाओगे। जैसे मैं स्विट्ज़रलैंड का नाम लो तो पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट ऑयल का प्रोडक्ट, वहाँ 1 लीटर ऑलमोस्ट हमारे इंडियन कंट्री के हिसाब से आपको 500 के करीब रुपीज़ देना पड़ेगा। तो क्योंकि डिमांड उनको ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जैसे इंडिया में भी काफ़ी ऑयल का प्राइस आप देखो तो प्लस 100 रुपीज़ प्लस है ऑयल कोई भी आप उठा कर देखो। तो क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसलिए ये भी काफ़ी उनको एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के लिए फैक्ट है, क्योंकि उनके पास तो काफ़ी ऑयल है। तो वो जितना ज़्यादा डिमांड जहाँ भी होगा, जिसको ज़्यादा सेल करेंगे ज़्यादा पैसा आएगा इस भी कंट्री में। तो काफ़ी सारे कंट्रियाँ हैं जो कि लेती हैं, लेती कम है, और ये लोग केवल जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री है ये लोग देने वाले हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा इनके पास ग्लोबल डिमांड फैक्ट है। हमारा एट फैक्ट है इकोनॉमिक डिपेंडेंस। इकोनॉमिक डिपेंडेंस मीन कि जो भी मिडिल ईस्ट में जगह है, प्लेसेस है, उनको अलग अलग इन्होंने सेक्टर में डिवाइड करके सबको इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बना दिया है। मतलब कि यदि आप सेक्टर ए में हो तो सेक्टर ए खुद से परिपूर्ण है, मतलब कुछ भी करने के लिए परिपूर्ण है, सारा कुछ वहाँ अवेलेबल है। तो इन्होंने क्या किया है, ऑयल को काफ़ी मैक्सिमाइज प्रोडक्शन कर दिया है, मतलब इतना अच्छे तरीके से ये लोग फंड करते हैं अपने गवर्नमेंट की तरफ से और जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, कि आप जहाँ भी ऑयल प्रोड्यूस करो इजी होता है, और वो ऑयल से जो भी रेवेन्यू आता है उस शहर को डेवलप करने में ये लोग यूज करते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, कि आप इकोनॉमिकली कितने डिपेंडेंस हो, किसी अलग कंट्री से तो आप लोन नहीं ले रहे हो ना, ये सब भी काफ़ी डिपेंड। इस सेक्टर में ये लोग काफ़ी अच्छा है कि अब तक इन लोगों का ऐसा कुछ नहीं चलता है कि दूसरी बाहर के कंट्रियों से लोन ले रहा है, बिकॉज ऑफ ऑयल इनके पास एक ऐसा सोर्स है जो कि इनको इकोनॉमिकली बहुत डिपेंडेंट बना देता है। हमारा नाइन्थ फैक्ट है ओपैक। ओपैक क्या होता है, ओपैक एक ऐसा मेंबरशिप है जिसमें आपको सारे पेट्रोलियम कंट्री, जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसमें जो कि अलाउ करता है कि क्या प्राइस ये लोग डिसाइड करेगा मार्केट के लिए और क्या इंटरेस्ट इनको होगा। मतलब ये लोग एक बैठ कर एक मेंबरशिप है जो कि डिसाइड करता है पूरे क्या बोलते हैं मिडिल ईस्ट की कंट्री और जो भी पेट्रोलियम प्रोड्यूस करता है कि क्या प्राइस हमें बेचना है आउटसाइडर को, तो ये लोग डिसाइड करता है। और ये लोग एक और चीज़ है इनका मतलब कि इन ये लोग सारे फैक्ट एक साथ मिलकर बात करता है, ऐसा नहीं कि इसमें मतलब कुछ ओपैक कंट्री अलग बात कर रहे हैं और कुछ कंट्री अलग बात कर रहे हैं। इसमें सर्वल कंट्री है जिसमें आपका अल्जीरिया है, गैबॉन है, इराक है, ईरान है, कुवैत है, लीबिया है, नाइजीरिया है,
मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, जिसमें आपको यूनाइटेड अरब अमीरात भी है और सऊदी अरबिया भी, उसके अलावा और भी कुछ छोटे छोटे कंट्रियाँ हैं, तो मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ। बट हाँ, आपको क्या नाम है, मतलब एक कंट्रियाँ बैठ कर ओपैक ही डिसाइड करता है कि ऑयल का प्राइस क्या होगा और कितना रखना है। तो ये इनका बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में ये लोग इसको हैंडल करता है, नहीं तो कोई कंट्री कुछ और प्राइस रख रहा है, कोई कंट्री कुछ और प्राइस रखता है, इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी जो भी होगा मतलब एक्सपोर्ट का वो डाउन हो जाएगा, कि जो कंट्री ज़्यादा मतलब कम प्राइस रखा है तो मोस्ट ऑफ कंट्री बाहर के जो कंट्री है वो कोशिश करेंगे कि जो कम रखा है उससे कनेक्ट करें। तो ये एक ओपैक यहाँ बहुत ज़्यादा ये लोग आपस में एक दूसरे को हेल्प करता है, और ऐसा नहीं कि केवल ऑयल के लिए, ये लोग आपस में कोई अलग कंट्री के साथ में कुछ मुद्दा हो रहा है तो ये लोग एक दूसरे को इस मेंबरशिप के थ्रू भी सपोर्ट करते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मिडिल ईस्ट कंट्रियों के लिए। 10th पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से आप क्या समझते हो, एक है कोई भी डेवलपिंग ऑयल कंट्री मिडिल ईस्ट, आप यदि देखोगे आज के डेट में सबको लगता है कि दुबई जाना चाहिए एक बार घूमने, बिकॉज अब क्यों, वहाँ इतने ऑयल थे कि उन्होंने उस पैसे को कहीं तो इन्वेस्ट करना होगा, क्या करेंगे पैसा, आप मान लो मैं आपको काफ़ी पैसा ही हमारे पास आ जाए और उसको हम यूटिलाइज नहीं करेंगे तो नया बिजनेस नहीं जनरेट होगा। तो आज के डेट में आप देखो तो ऑयल प्रोड्यूस काफ़ी सारी कंट्रियाँ कर रही हैं, लेकिन जैसे आप दुबई का मैं नाम ले रहा हूँ तो आप सोचते हो कितना अच्छा लाइफ स्टाइल है, बहुत कुछ, बट वो लोग केवल उसको एक ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री नहीं रहने दिया आज के डेट में, वहाँ आप जाकर देख रहे होगे काफ़ी सारे मूवीज़ का शूटिंग हो रहा है, काफ़ी सारे लोग जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो उन्होंने उस पैसे से पैसा जनरेट करना सीखा कि कैसे पैसे को जनरेट किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे बड़े बड़े पोर्ट्स बनाए, रिफाइनरी बनाए, आपको एयरपोर्ट्स बनाए, मतलब कि पूरे वर्ल्ड को कैसे कनेक्ट किया जाए, और इसके साथ साथ काफ़ी सारे ऑयल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जो बड़े बड़े रिफाइनरी सेंटर होते हैं, उसको उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया, जो कि आज के डेट में इनके जो भी काम होते हैं इजी टू वे होता है। इसलिए ये 10th पॉइंट काफ़ी ज़रूरी होता है जो भी कंट्री है, ऐसा नहीं कि आप ऑयल सेक्टर में हो तो आप ऑयल, आप कोई भी मान लो कि आपका कंट्री एग्रीकल्चर में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर यदि आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आप उस प्रोडक्ट को ऑल ओवर वर्ल्ड से जोड़ सकते हो, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होगा तो आप अपने ही कंट्री में उसको सही से एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं भेज सकते। तो ये हमारा 10th पॉइंट है, और गाइस आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और फिर कमेंट में आप अपना फीडबैक दे सकते हो, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो मैं उसके अकॉर्डिंगली ज़रूर कोशिश करूँगा बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।